हेलो, दिस इज़ सुनंदा दे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दिखाऊंगी 3 समर हैक। आप हैक भी बोल लीजिए या फिर 3 ऐसे नेसेसरी चीज़ जो आपको समर में, अगर आप वो तीनों चीज़ मतलब अपनाएंगे तो समर में कुछ भी प्रॉब्लम आपको उतना परेशानी नहीं करेंगी। तो आज मैं बहुत सोच के ऐसे नॉर्मल 3 चीज़ें जो आप समर में बिल्कुल भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, मैं सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम करती है वो है पसीना। पसीने की वजह से होती है हमारे जो एक्ने होती है वो ज़्यादा होती है इस टाइम में समर में, और उसके साथ साथ होती है एक्स्ट्रा सन की वजह से, एक्स्ट्रा सन एक्सपोजर की वजह से टैनिंग, सन बर्न, ये सब प्रॉब्लम हम लोगों को ज़्यादा फेस करने को मिलता है। तो जो आज मैं दिखाऊंगी वो सब अगर आप ट्राई करेंगे घर पे, बहुत नॉर्मल सा है, अगर उस तो ये सारी प्रॉब्लम से आप बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते। तो इस भयंकर गर्मी में अगर आप अपनी स्किन को बचाना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें आपको यूज़ करनी ही है। तो वो पहला है एलोवेरा, सेकंड है कॉफ़ी एंड थर्ड है गुलाब जल। तो मैं क्या करती हूँ, एलोवेरा को कट करके फ्रीज में रख देती हूँ और ठंडा फ्रीज से निकलती हूँ, उसके बाद वो यूज़ करती हूँ। तो ये एलोवेरा अगर आपके फेस पे कोई दाग धब्बे हो तो वो रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, एक्ने को रिड्यूस करेगा, स्किन टाइट रखेगा, स्किन को मॉइस्चर करेगा, स्किन को स्मूथ बनाएगा, सन बर्न को भी बहुत हद तक कम करेगा। तो इसको ऐसे 5 मिनट लगा के मसाज कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से मसाज कीजिए, उसके बाद वो अपने स्किन में थोड़ा सा सूख जाए, उसके बाद उसको बहुत अच्छी तरह से नॉर्मल पानी से वॉश करना है। तो एलोवेरा आपके पास अगर प्लांट हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो या फिर बाजारी भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास प्लांट है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो इस गर्मी में एलोवेरा ज़रूर आपको यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन बहुत अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। तो मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे क्यूब करके फ्रीज में रख देती हूँ, और जब भी मुझे ये यूज़ करना होता है फ्रीज से निकलती हूँ और यूज़ करती हूँ। आप चाहे कुछ भी अपने हिसाब से, अपने आपको जो ठीक लगेगा आपको आप वैसे ही कर सकते हो। अगर आपको एलोवेरा सूट करता है तो आप डेली कर सकते हो, नहीं तो हफ्ते में 3-4 दिन तो इजीली कर सकते हो। तो नेक्स्ट है, आज इस गर्मी में जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ वो है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के साथ आज मैं एक पैक बनाऊंगी। तो आप पहले लिया है गेहूं का आटा 1 चम्मच, दूसरा है बेसन 1 चम्मच, घर के बना हुआ टर्मरिक पाउडर 1 चम्मच, कॉफ़ी पाउडर। तो इस ये चारों को मिक्स करने के लिए जितना लगेगा गुलाब जल, बहुत अच्छी तरह से एक सुंदर फाइन सा पेस्ट बना लीजिए, उसके बाद ये आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। तो ठीक है, तो कॉफ़ी के साथ आप अपने हिसाब से अगर कुछ पैक बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कॉफ़ी इस गर्मी में हमें बहुत प्रॉब्लम से हेल्प देगा, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी यूज़ करती हूँ स्पेशली गर्मी में। तो इसको थोड़ा सा करके लीजिए और अपनी स्किन में ऐसे ये सर्कुलर मोशन से ऐसे रब करते जाइए और लगाते जाइए। तो गेहूँ का आटा, बेसन, ये सब हमारे स्किन को जो स्किन में जो खोया हुआ कलर है, जो ये सन टैन इसके चलते जो हमारा जो नॉर्मल स्किन कलर है जो वो छुप जाता है, वो बाहर करने में हेल्प करता है। तो आपकी स्किन को लाइटन अप करेगा ये गेहूं का आटा और बेसन यूज़ करने से, और हेल्दी तो बहुत अच्छे होते ही है हमारे सबकी स्किन के लिए, एक्ने को बहुत हद तक कम करेगा। तो कॉफ़ी हमारे स्किन के जो डेड स्किन सेल होते हैं उसको रिमूव करेगा, आपकी स्किन ग्लोइंग हेल्दी बनाएगा, अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक कम करेगा। सन टैन रिमूव करने में तो कॉफ़ी एकदम मस्त है, ब्लैक हेड्स भी बहुत हद तक कम हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी यूज़ करने से। तो ये पैक हफ्ते में आपको आप 3-4 दिन यूज़ कर ही सकते हो, और थोड़े टाइम के बाद जब ये सूख जाए उसके बाद वॉश कर लेना। अब गुलाब
तीसरा है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप अपने हिसाब से कुछ भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे खादी का रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। तो रोज़ वाटर यूज़ करने से बहुत आपको फ्रेश लगेगा, आपको फ़ील होगा, यूज़ करने के बाद ही आपको बहुत फ्रेश रखेगा आपकी स्किन, आपकी स्किन को बहुत स्मूथ बनाएगा। अगर आपकी स्किन में लार्ज ओपन पोर्स है वो भी बहुत हद तक कम होगा। तो ये सब करने में, हेल्प करने में बहुत ज़्यादा गुलाब जल हेल्प करता है। तो ये आपको दिन में मिनिमम 3-4 बार तो यूज़ करनी ही है। और इस गर्मी में गुलाब जल बहुत आपको लगेगा कि नहीं मैं यूज़ करूँगी, ऐसा फील होगा। तो गुलाब जल यूज़ करना स्टार्ट कर हो गया। लास्ट में आप अपने हिसाब से आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो बस आप लगा लीजिए। गुलाब जल को थोड़ा सा अपनी स्किन में ऑब्ज़र्व करने दीजिए, थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद। मैं इस टाइम पे यूज़ करती हूँ ये गुड वाइब्स का रोज़ हाइड्रेटिंग फेस जेल। ये आजकल मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इसका भी मैंने कुछ 2 दिन पहले रिव्यू दिया था। जो लोगों ने ये रिव्यू नहीं दिखा है, मतलब नहीं दिखा है, वो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। तो बस हो गया। समर में और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक चीज़ है जो समर में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, वो है सनस्क्रीन। फिर भी मैंने ये इस वीडियो पे नहीं बोला हूँ, जो 3 मैंने हैक बताया उसके अंदर मैं सनस्क्रीन को नहीं डाला है। वो इसीलिए क्योंकि सनस्क्रीन को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। सनस्क्रीन तो हमें ज़रूरत है ही, वो तो मतलब क्या है, जैसे हम लोग पानी को इस टाइम पे अवॉइड नहीं कर सकते, उस वैसे ही है हम लोगों के लिए अभी सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन को मैंने इसीलिए इसमें ऐड नहीं किया है। तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है, बहुत सारा ढेर सारा पानी पीनी है। और जो मैंने जैसे कि मैंने दिखाया, अगर वैसे ही आप करेंगे तो आपकी स्किन हेल्दी भी रहेंगे, उसके साथ ग्लो भी करेगा। बस ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक बाय बाय।